तेनाली देखो 1 किलोमीटर आगे भी है दादी सच्ची घटना है सच्ची घटना है 1 किलोमीटर आगे है कुछ करो आज कुछ नहीं जो है कोई नहीं जो वो जाना अदिति वो सताती थी आत्मा बनकर तो सिक्योरिटी गार्ड ने सुसाइड कर लिया एक नीम के पेड़ के तो भाई -17 टेम्परेचर आ रहा था। तो अगर आपको लाइव में आना हो तो 2-3 बार ये वाला भी ब्लॉग बनेगा कि भाई लाइव ऐसे करते हैं हम लोग। और सब मेरी जान वेलकम बैक टू द चैनल, कैसे आप सब लोग, आए बढ़िया होंगे भाई, स्वागत है सभी का एक नए वीडियो में। और भाई पिछले वीडियो पर आप सभी लोगों ने इतना सपोर्ट दिखाया, मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि भाई देखते हैं अभी कौन सपोर्ट करता है या कौन शेयर करता है, तो उस हिसाब से हम आगे बोलेंगे। भाई अभी आगे बोलने की क्या जरूरत है, आप लोगों ने इतना शेयर कर दिया, मतलब जबरदस्त, मतलब एकदम जबरदस्त, मतलब एकदम जबरदस्त वाला आपने सपोर्ट किया मेरे को भाई। 11 घंटे में 300 व्यू तो आ ही गए, मतलब पिछले वीडियो पर आप देखो 200 व्यू पड़े हुए हैं अभी और इस पर 300 हो गए, एकदम तगड़ा शेयर कर दिया आप लोगों ने, इसके लिए भाई थैंक यू सो मच। और अभी मुझे मोटिवेशन मिल चुका है कि भाई अब मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे, मेहनत करने के बाद ही हमको मोनेटाइज ऑन होगा और मोनेटाइज को हम छोड़ देते हैं पीछे और एकदम फुल मेहनत करेंगे और सभी लोगों को हंसाने की कोशिश करेंगे। और फिलहाल चेतन भाई यहाँ पर है बैठे हुए, चेतन भाई और मैं आज ब्लॉग बनाने बैठे हुए हैं। फिलहाल सुबह को मैं गया था काम पर और ये भाई भी काम पर गए थे, तो 7 बजे ये भी फ्री हो गए और मैं तो 4 बजे ही फ्री हो गया था, लेकिन किधर गया नहीं और घर पर ही बैठा था। तो अभी फिलहाल हम दोनों ही फ्री हैं, तो हम सोच रहे थे भाई कुछ करते हैं हम लोग, रील भी शूट करनी है, तो मैंने सोचा भाई आज व्लॉग भी बना लेते हैं ऐसे ही कुछ, तो घर पर ही कुछ टाइम पास करते रहेंगे तो आपको वो व्लॉग में दिखता रहेगा, थोड़ी देर गिटार बजाएंगे। और भाई कुछ चेतन भाई आपको कुछ कहानियां पता है, ऐसी हॉरर स्टोरी पता है आपको? है कुछ पता है, पता है सुनाऊंगा। हाँ तो भाई चेतन भाई एक स्टोरी भी सुनाएंगे, चलो भाई। तो फिलहाल तो हम लोग यहीं पर बैठे हैं और चेतन भाई पहले स्टोरी सुन लेते हैं उसके बाद गिटार बजाएंगे। चलो ठीक है, पहले सुनो स्टोरी सुन लेते। तो भाई चेतन भाई स्टोरी सुनाएंगे और इसके बाद हम गिटार बजाएंगे, चलो हले हले। भाई हमने सेटअप कर लिया है हमारा और अभी चेतन भाई मुझे सुनाने वाले हैं एक कहानी जो सच्ची घटना है इनके साथ हुई है। अभी सुनते हैं क्या हुआ था भाई, बोलो आप, बोलो तुम क्या हुआ था कच्ची में, कच्ची में बोलो भाई, कच्ची में कच्ची चलेगा ना, कच्ची चलेगा, चल ना भाई तुम बता दे। नया सा पहले समझ ना सा पार्सल डेला राव पर गया सी हां, फ्रेंड हो तो एक्टिव आ जाए, एक्टिव तो बहुत रात चुकला लग दो, मिनिमम 8-8.5 वगा लग दो अच्छा बहुत रात जो ऐसे व्यास था नहीं, तो 5-6 तो पगा सी पार्सल लेकर ऐसा 5-6 जीदा सी, तो रोड तक ना वहां खाली ऐसे एक्टिव हो खाली तो खबर ना रास्ता तोड़ भाई बाबा रास्ता खराब है, खराब पियो ना मसन क्या अपना थे वान ऊंचा वाने वान ऊंचा वाने बो आऊं ना फ्रेंड अजी दास बोय ना, तो इने पाए नागुरी तो यहाँ आंटी जाते पगा सी, तो एक गाड़ी भी फोर व्हीलर बो तो लाइट चालू ने आवी जा सन पहले पास आवी दे, तो ना कोई टर्न ने खबर इन बावर तो इतनी टर्न वाली गाड़ी आसा जी आसा टर्न वाले से पाछो तो ना देखो 1 किलोमीटर आगे भी है गाड़ी सच्ची घटना है, सच्ची घटना है 1 किलोमीटर आगे भी आसा के लगो खबर ना को ने सिटी रोड पे भी टर्न वाले से सिटी रोड पे आज नागुरी नागुरी रोड पे बो इतनी आसा सिटी रोड बाजू पहुंच जाएगी खबर सिटी रोड पे ही आसा ने आगे आगे की ने कभी तो बाकी थी पाँच एक्टिव उन्हें गाड़ी लागे नहीं कर रही होती असर नहीं दोबारा जवाब नहीं असर एक्टिव वो भाई बना लेंगे हाँ चलो नहीं आज अगे व्यासी अगे व्यासी, तो थोड़ी देर रही तो ये गाड़ी पहले पुठे रही तन की आज कुछ थे आज गाड़ी के बीच में भी नहीं जब भी ने आज तो पाथ की आई दादे अरे सुन रही बो ना पाथ उठो से आज बो आज नागुरी डाक रस भी बो फिर सर ने जितनी पाथ मिल जा सके पुठे भी बो नहीं मैं कितने भी कितने भी पाथ अकीद में खबर तो पे कहते अभी आऊँ तो भला उतना एक्टिव अकेले मुझे खबर है हाँ पाछे बैठो उसे गाड़ी से कहते रेसिंग ना हुई बराबर वो ऐसा पहले फिर सुन गया सी नापुर नाको ने एटा पोगा सी थी गाड़ी साइड में अभी भी नापुर उठे नाको ने खीसरे पोठिया थी भी वो नापुर आ गया जी ये खबर ना भाई ने तो क्या तो ऐसे वो ना रोड था कि गाड़ी ई जगड़ी गाड़ी बो के आगे आज पा खबर तबे टाइम टाइम करू टाइम मिनिमम समझ 8:30 माथे वाग दो अच्छो तो आशा समझ आशा कभी ना कि गाड़ी आगे की निकले हो तो आप ना कर पगा सी नेड़े वास गाड़ी साइड में भी ना समझ कि अरे फुल होई जे पाके एरो लगे ना उठिया ते आगे निकले ते और बजे हुए ते एक्सीडेंट आरो थी उदो आशा होते नेड़े हां नेड़े वो आशा ते नेड़े आले आशा गाड़े पगा सी भाई पूछो आज कोठ थियो हां जो एक्सीडेंट थियो जो एक जन उठो आज कोठ थियो एक जन करो हां जको जन जो एको ना जे बो जाना वा गाड़ी रखे स्कूटी ने बो ना से ही उतरे ना गाड़ी खाली ब्रेक लगे ने नेड़ो
तो ये खाली बैठो नहीं डाई नहीं पियो ही मो डाई बो डाई नहीं बो बैठो तो आओ ने तो घर आते पूछो इनके आज बो आज एक जनो आज कुछ हो एक जनो कहते हो आओ एक जनो ये आज बो जना वा भाई साहब वो मग डाई उठो आज बो जना आज कहते आज एक जनो ना आज बो जना आज बाजी में बैठो करो बेनी खबर लगे कितना जना वो उनकी खबर है भाई वो डायरे बो जना वा तो बेनी बेनी के अलग ही नहीं सुनो ये चाहता उनके ऊंचे बो जना माने खबर ना पे कोर थियो डाउट रे एकड़ो भूत प्रेत में तू मे तो मो अस कोई ना मो गई भूत प्रेत में तो मो ही ना पर आड़ी गाल सुनी नेगेटिव एनर्जी चवाजे भूतिया जो को हरकत वे नेगेटिव एनर्जी सची हम सचो चाह तो घने रिसर्च किया मथे हिंदी में बोला समझो खमो गाइस पाँच हिंदी है हिंदी में बोला मैंने इस पर भाई बहुत रिसर्च की है यूट्यूब पर और गूगल पर मैंने बहुत सारे सर्च किया कि रियल में भूत होते हैं या नहीं होते हैं। मुझे यही पता चला है कि भाई भूत मतलब फिल्मों में दिखाए जाते हैं ना जो चुड़ैल और उल्टे पाँव होते हैं और भाई मेकअप किया होता है और ऐसा कुछ नहीं होता। जो नेगेटिव एनर्जी होती है ना भाई मतलब कैसे आप कैसे मैं बताऊँ कुछ जहाँ लाइट जाती है और कैसे एक मतलब लाइट चलती है एक छोटी सी लाइट चलती है शॉट लगता है तो एक लाइट चलती है वैसे एक स्टार चमकते हैं तो कैसे लाइट होती है मतलब नेगेटिव एनर्जी ऐसी होती है वो आत्मा ऐसी होती है नेगेटिव एनर्जी बोलते हैं उसको। और भाई मेरा मानना है कि भाई मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ ऐसे कि भाई सच में हो सकता है क्योंकि भाई इस दुनिया पर कितने जीव जंतु है इंसान है तो भाई एलियन भी है जीव जंतु कितने पशु पक्षी है सब कुछ है ना तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि ये भी है नेगेटिव एनर्जी ये भी है मेरे भाई। तो बस जो घटना होती है ना मतलब ऐसे कुछ नुकसान तो नहीं करते लेकिन क्या पता कुछ कर भी सकते हैं। मैंने एक रिसर्च की थी मैं एक और स्टोरी सुनाता हूँ आपको। मैंने यूट्यूब पर एक वीडियो देखा था तो वो भाई जो है पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है मतलब पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर मतलब ऐसा होता है कि वो भाई अपने साथ कुछ साधन होते हैं तो वो लेकर जाते हैं और उससे पता लगाते हैं कि यहाँ पर कुछ नेगेटिव एनर्जी है या आत्मा या भूत प्रेत कुछ है या नहीं है। हाँ तो उनके पास क्या हथियार थे आपको पता है मतलब क्या साधन थे वो एक तो वो नहीं होता अपना टेम्परेचर मापने का क्या बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं और कोरोना में नहीं टेम्परेचर मापते थे बंदूक हाँ तो भाई वो बंदूक थी उसके पास टेम्परेचर मापने की और उसके पास एक मोशन सेंसर लाइट थी मतलब मोशन सेंसर क्या लाइट होती है एक ऐसा बल्ब होता है तो वो अपने पास ऐसा रख देते हैं और हम इससे दूर चले जाते हैं तो बंद हो जाता है जैसे ही उसके पास कुछ मोशन होता है ना तो वो लाइट चालू हो जाती है जैसे कि मतलब ऐसे पड़ा हुआ है और उसके पास से चिपक ली गई तो वो लाइट अपने आप चालू गई। हाँ तो ऐसा कुछ होता है उसके पास ऐसे बहुत सारे साधन थे तो वो भाई जो है उसकी मतलब कहानी ऐसी कुछ थी कि वो जिसके साथ गया था ना वो जिसको मतलब पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन था और उसको जो लेकर गया था उस बंदे ने उसको बताया कि भाई ये हमारा ही घर है और यहाँ पर कुछ ऐसी हरकतें भूतिया हरकतें होती रहती हैं। तो उसने बोला कि क्या होता है यहाँ पर उसने बोला कि भाई हमारी दादी जो थी वो हमारे साथ सिटी में नहीं आना चाहती थी वो हमारे गाँव में ही रहना चाहती थी तो हम इस घर में ही दादी जी को छोड़कर हम चले गए थे और दादी जी अपना ख्याल रख लेती थी और बाद में पता नहीं क्या चोर आए और उसको मार दिया तो भाई चोरों ने उसको मार दिया तो उसके बाद एक जमीन बेचना चाहते थे वो हवेली तो जमीन तो बेच नहीं पाए और उसके बाद एक सिक्योरिटी गार्ड को रखा हुआ था सिक्योरिटी गार्ड पता नहीं सिक्योरिटी गार्ड को जो दादी थी वो सताती थी आत्मा बनकर तो सिक्योरिटी गार्ड ने सुसाइड कर लिया एक नीम के पेड़ के फंदा बांध कर सुसाइड कर लिया। और भाई जो इन्वेस्टिगेटर जो था वो सच में जब अपने जो वो बंदूक मैंने बताई ना टेम्परेचर मापने वाली उसने जब नीम के पेड़ पर जो लगाया ना लगाया तो भाई -17 टेम्परेचर आ रहा था -17 मैं मनाली गया था ना -4 था -4 था वहाँ पर लेकिन भाई जब उसने बंदे ने नीम के पेड़ पर जिस टहनी पर फांसी का फंदा था भाई उस पर लगाया ना जब टेम्परेचर तो -17 आ रहा था और भाई जमीन पर लगाया तो भाई 7 या 8 था नॉर्मल था मतलब नॉर्मल था और भाई उस टहनी पर -17 था। तो भाई मैंने जो रिसर्च की है उसके हिसाब से जब आत्मा या कुछ ऐसा नेगेटिव एनर्जी होती है ना तो वहाँ पर टेम्परेचर ठंडा या बहुत गर्म हो जाता है या फिर बहुत ठंडा या फिर बहुत गर्म ऐसा हो जाता है। तो जो भी है वो रियल है मतलब भूतिया तो है भाई
ये 100% है, मतलब कुछ तो है। नेगेटिव एनर्जी होती है, पॉजिटिव भी होती है पर नेगेटिव भी होती है। तो बस यही था। यही और था भाई चलिए भाई हम गिटार भी बजाते हैं, ये सब भूतिया बातें बहुत हुई। भाई। फिलहाल कुछ सीन ऐसा है कि हम लोग करने वाले हैं लाइव यूट्यूब पर, और आपको पता ना हो तो मैं बता दूं, मैंने फर्स्ट लाइव भी कर दिया था और ये सेकंड लाइव हम लोग करने वाले हैं। तो भाई अभी हम लोग क्या है, लाइव करेंगे और चेतन भाई अपने फोन से शूट करेंगे, तो वो आप देख लेना, वो हम इसी इसी व्लॉग में डाल देंगे। तो पिछला क्लिप आएगा, इसके बाद वाला क्लिप आएगा, तो वो देख लेना, और वो लाइव भी होगा। तो अगर आपको लाइव में आना हो तो 2-3 बाद 2-3 बाद 2-3 3 या 4 दिन ऐसा बाय। कुछ रहता है, उसके बाद हम लाइव करेंगे फिर से एक बार। तो बने रहना हमारे चैनल के साथ, और अभी आप लाइव क्लिप देख लेना, उसके बाद हम एंड कर लेते हैं। हम लोग फिलहाल यूट्यूब पर लाइव कर लेते हैं। सीन ले लो, और ठीक अपने है पास भाई, साथ चेतन चेतन भाई भी है, वो थोड़ा सीन ले रहे हैं कल के व्लॉग के लिए, क्योंकि कल के व्लॉग में हम लोग आएंगे। ये वाला भी व्लॉग बनेगा कि भाई लाइव ऐसे करते हैं हम लोग, और सेटअप और भूतिया कहानियां थोड़ी। चेतन भाई ने एक हॉरर कहानी सुनी है, वो कल आपको पता चलेगा। भाई अभी आ जाओ, चलो भाई लाइव करते हैं, चलो आ जाओ। Two thousand years later. सो गाइस फाइनली लाइव भी एंड हो चुका है अपना, और मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टाटा, सी यू।